हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश राय टीवी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल रहने वाली है। तो यहाँ पर यदि आप लोगों के पास 12वीं है और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज है तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोग इसमें एक ही निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो अपर डिवीजन कलर की दोस्तों निकाली गई है, ठीक है, LDC की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेतन। तो 19,900 से आपका प्रारंभ होता है, 63,000 दोस्तों तक ही जाता है। यहाँ पर देखिए दो पदों पर दोस्तों भर्ती होनी है दोस्तों। एक पद रहेगा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षित है और एक पद जनरल के लिए आने वाला है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो देखिए यदि आप लोग 12वीं पास हैं और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज, यानी यहाँ पर टाइपिंग आपकी जो 35 सी के शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 शब्द प्रति हिंदी में आपको चाहिए पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एज हम बात कर लेते हैं, 27 वर्ष एज यहाँ पर रखेगी। आप लोगों को आवेदन के पोर्टल पर जाकर करना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुल्क आपकी 300 रुपये यहाँ पर लगने वाली, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा तो पहले आपको यहाँ पर 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा में रखा जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपका पहला होगा लक्ष्य होगा, फिर आपका कौशल होगा, ठीक है। तो दो प्रकार से आपका चयन यहाँ पर किया जाना है। यहाँ पर हम बात कर लें, चयन आपका जो लिखित परीक्षा होगी तो वो स्वंकोच होगी और आपको 90 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आपका नेगेटिव यहाँ पर रहेगा, नेगेटिव यहाँ पर काटा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर दोस्तों रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं, तो आपको इधर आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाकर करना पड़ेंगे। इसके पश्चात आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो नवीन फोटो लगेगा, ठीक है, आपके सिग्नेचर स्कैन होने वाले हैं, जन्म तारीख प्रमाण पत्र लगेगी, 10वीं की लगेगी, कार्य आपने कहीं किया तो वो लगेगा, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर लगने वाले हैं, समस्त डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग जाओगे और इनका जो सिलेबस है, यानी क्या आपको आना है। तो देखिए आपका सेक्शन ए होगा, जिसमें जनरल नॉलेज 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क रहेंगे। सेक्शन आपका बी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये भी 20 नंबर का रहेंगे। सेक्शन सी रीजनिंग कंप्यूटर्स, ये भी 20 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, ये भी 20 नंबर का। और सेक्शन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, बेसिक, ये भी रहेगा 20, यानी आपका 100 का आपका होना। तो इस तरह की आपके आने वाले 90 मिनट का टाइम है और 0.25 आपका मार्क्स यहाँ पर कटने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं कि पोर्टल पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ICMR, ठीक है, और यहीं से आप लोग कर लें नोटिफिकेशन डाउनलोड, ठीक है, और यहीं से आप लोग कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स।